नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला में जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नंबर 64 है, 64th नंबर का कार्यक्रम हम बना रहे हैं। साथ ही साथ 420 जन्म कुंडली का अध्ययन हम अभी तक इस कार्यक्रम में कर चुके हैं और आज की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो इस श्रृंखला की 421वीं जन्म कुंडली होने वाली है। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ या फिर से अपनी बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस मैं देख रहा हूँ या बहुत से कॉल्स इस तरह से आ रहे हैं कि निःशुल्क कुंडली अध्ययन करना है। मैंने कितनी बार बताया कि अगर आप चाहते हैं कि निःशुल्क कुंडली अध्ययन कराना है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स दीजिए। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर जिसका पहले कमेंट आएगा उसका अध्ययन पहले हो जाएगा। व्हाट्सएप पर आप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करते हैं, ये पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए है। यहाँ पर सशुल्क होगा, चार्जेबल एनालिसिस आपका होगा, जो कि स्वभावतः बात है कि पर्सनल कंसल्टेंसी वहाँ लिखा हुआ है, तो वन टू वन बात करके वो होने वाला है। तो अगर आप निःशुल्क कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स को पोस्ट करिए, जिसमें कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आपके जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में पोस्ट करनी होती है। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3 से 4 महीने का वक्त लगता है और उसके बाद आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाता है। जिनका हो रहा है उन्होंने भी एक समय पर पोस्ट किया होगा, तो वो है, अभी मैं कमेंट में पढ़ रहा था कि किसी ने बोला था कि मेरा एनालिसिस हुआ था, एक जन ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि 3 से 3.5 महीने का वक्त लगा परंतु अध्ययन हो रहा है। तो मैं अपनी कुंडली तो देखता नहीं हूँ, यहाँ पे सभी का अध्ययन हो रहा है, तो धैर्य का परिचय दें, निःशुल्क है तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर ही होगा। अब हम बिना विलंब के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में जो पहली जन्म कुंडली है ये अनीता हंसदा जी की है। तो अनीता जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 26 जून 1986, जन्म का समय है रात के 12 बजे और जन्म स्थान दिया है इन्होंने झारखंड में पंजुनिया। ये अगर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, ये नहीं मिल रहा है आपका, जो भी यहाँ आ रहा है झारखंड का मैं ले लेता हूँ। मीन लग्न की आपकी कुंडली है, कुंभ राशि है और प्रश्न है आपका गवर्नमेंट जॉब कब होगी, उपाय और रत्न। मीन लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, लग्नपति 12वें घर में बैठे हैं, दशमपति भी वही बनते हैं, सूर्य चतुर्थ भाव में है, मंगल दशम में है। हालांकि तो मंगल के दशम में होने के चलते सरकारी नौकरी का योग तो बनता है लेकिन वो भी 27 डिग्री पर है, मृत अवस्था में है, लेकिन वर्गोत्तमी है। हालांकि देखिए, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि गुरु की दशा में राहु का अंतर और शनि की 7.5 आपको चल रही है और चंद्रमा आपकी कुंडली में जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो मन आपका शांत रहता है जिसके चलते परेशानी है। तो मुझे लगता है कि आपको प्राइवेट क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत समझ में आ रही है। और रही बात आपके रत्न की, तो मंगल का ही रत्न एक बनता है, तो आप मंगल का रत्न धारण कर सकती हैं, मंगल का रत्न धारण करना आपके लिए उचित है। मेकअप ट्यूटोरियल नाम से आईडी है, कुलजीत कौर की जन्म कुंडली है, तो कुलजीत जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली ले रहा हूँ। 17 नवंबर 2002, 7:30 AM मेरठ उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी मीन बनती है। क्या मेरी लव मैरिज होगी एंड कब तक होगी? पंचम पति जाकर के भाग्य भाव में उच्च राशि में है और सप्तम पति 12वें भाव में स्वग्रही हैं। गुरु शुक्र का वैसे तो कोई संबंध नहीं बन रहा आपकी कुंडली में, लेकिन फिर भी पंचमेश का जाकर के नवम भाव में बैठना और सप्तमेश का स्वग्रही होना, सप्तम में राहु का होना, ये अंतर जातीय विवाह को दर्शाता है। वैसे तो मुश्किल है लव मैरिज होना, लेकिन फिर भी इस कुंडली में इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। और अगली कुंडली है ज्योति गौतम की, तो ज्योति गौतम जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। मुश्किल इसलिए है क्योंकि पंचम पे मंगल का प्रभाव है, हालांकि वो लग्नेश हैं लेकिन फिर भी वो रिश्ता तोड़ने का काम करते हैं जो आपका रिलेशनशिप है। 1st ऑफ सितंबर 1986,
ज्योति गौतम जी का डेट ऑफ बर्थ है, रात के 3 बजे इनका जन्म स्थान जन्म समय है, और जन्म स्थान जो इन्होंने दिया हुआ है वो है कोटा राजस्थान। कर्क लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि भी आपकी कर्क बनती है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मेरा दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम है, कंसंट्रेट नहीं कर पाती, कोई उपाय बताएं ताकि सक्सेस हो पाऊँ। आपकी जन्म कुंडली में गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं जा करके, हालांकि लग्नेश लग्नगत हैं, कंसंट्रेट ना कर पाने का कारण क्या है आपकी कुंडली में? केतु की महादशा, केतु की महादशा हो जाए तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा व्यक्ति भ्रमित रहने लग जाता है। वैसे तो आपके लग्नेश चंद्रमा लग्न में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं, राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो ये भी एक कारण बनता है कि लग्न पर, लग्नेश पर और मन के कारक चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का पड़ जाना आपके मन को अशांत करता है। देखिए, मुझे आपकी तैयारी के विषय में तो जानकारी नहीं है, फिर भी दिसंबर में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रयत्न करें तो आप ले सकते हो सरकारी नौकरी टीचिंग के क्षेत्र में। कारण है आपका सूर्य स्वग्रही है और वर्गोत्तमी होकर के है, और सूर्य और गुरु का आमने सामने होना शिक्षक योग का भी निर्माण कर देता है। तो आप अपना प्रयास जारी रखिए, अगर आपकी मेहनत रही और भगवान की कृपा रही तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। पंचम में शनि है, थोड़ा सा विलंब कराएंगे, फिर भी हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का नित्य 3 या 7 पाठ अगर आप करें तो आपके लिए ये मैं उचित देखता हूँ। तो इसको आप करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। अगली जन्म कुंडली है नैन्सी अग्रवाल जी की, तो नैन्सी जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। 9th of May 1992, 7:38 AM और रामनगर उत्तराखंड। आप वृषभ लग्न की है नैन्सी जी, राशि आपकी कर्क है। विवाह कब तक होगा मेरी कुंडली देख लीजिए। सप्तम पति जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं आपके और गुरु चतुर्थ भाव में है, राशि आपकी कर्क बनती है और शुक्र की दशा में राहु का अंतर है। देखिए, आपकी कुंडली में विवाह का योग अभी भी चल रहा है, शुक्र में राहु का अंतर थोड़ी सी परेशानी जरूर देगा, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि कुंडली मिला करके आप विवाह करें वो आपके लिए अच्छा है। और विवाह का योग चल ही रहा है जो कि अप्रैल 2023 तक है, आपके जन्म स्थान से साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आपकी शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं। तो आप प्रयत्न करिए, गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए, घर परिवार वालों से भी कहिए, और दिक्कत अगर आपको लगता है कि ज़्यादा आ रही है तो गुरुवार का उपवास कर लीजिए 11 या 16, वो आपके लिए ठीक होगा। और अगली जन्म कुंडली ज्ञानार्थ की आईडी से है, ये दिव्या की कुंडली है, तो दिव्या जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली ले रहा हूँ। 16th October 1993, 15:55 चंडीगढ़। कुंभ लग्न है आपका, राशि तुला बन जाती है आपकी, वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि। स्कूल टीचर हूँ, पीएचडी कॉमर्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट अवार्ड योग जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री एक्सेट्रा कब तक मिल सकता है? दशम में राहु है तो योग तो बनता है आपकी कुंडली में, क्योंकि दशमस्थ राहु हो तो ये राज्य से शासन प्रशासन दशम भाव से सबका विचार किया जाता है, तो दिलाते हैं ये। और गजकेसरी योग आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति से बन गया, मंगल चंद्रमा की युति, चंद्र मंगल योग, गुरु और मंगल की युति भी अच्छी है, मंगल बुद्ध की युति को भी गणितज्ञ योग के नाम से जाना जाता है। तो योग तो है, अब कुंभ लग्न की महादशा में शनि की, कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में शनि की महादशा आपको मिली है, इसको भी मैं अच्छा ही समझता हूँ। अब देखिए, समझने वाली बात है कि इस जन्म कुंडली को लेकर के जो भी जन्मा होगा सबको पद्म विभूषण पद्मश्री तो नहीं मिलेगा, है ना? भाग्य तो मजबूत है, भाग्य भाव में 4-4 ग्रह गुरु जैसा ग्रह बैठा है, चंद्र कुंडली बना रहे हैं तो भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि जा रही है, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में राहु का दशम में होना, शनि के नक्षत्र में और शनि का स्वग्रही होना, 12वें बैठे हैं लेकिन स्वग्रही हैं, और सूर्य की जो दृष्टि जा रही है वो आपके द्वितीय भाव पर जा रही है, जिसके वजह से इस कुंडली में योग तो है, सूर्य वर्गोत्तमी भी हैं अगर आपने उस लेवल की मेहनत प्रयत्न किया हो तो। रही बात भाग्य के साथ की, तो भाग्य का साथ इस कुंडली में है और शनि में बुध का अंतर, ये जो 2-3 साल है यही आपके लिए
एक सम्मान दिलाने वाला, मैं इनकी तो बात नहीं करता जो अपने पद्म विभूषण या पद्मश्री कहा है, लेकिन फिर भी एक सम्मान दिलाने वाला जो समय है वो यही है। आपके प्रश्न का जवाब मुझे लगता है आपको मिल गया होगा कि यही जो समय चल रहा है मेनली 17 जुलाई के बाद से शुरू जो हुआ है वो सम्मान दिलाने वाला ही कहा जाएगा। और उपाय आपने पूछे थे, सूर्य आराधना, एकमात्र सूर्य आराधना और गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः जितना ज्यादा हो सके जाप करिए, 3 माला 5 माला 11 माला तक लेके जाइए। राहुल सिंह भंडारी जी के जन्म कुंडली है, तो राहुल जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 4th of September 1994, समय है रात के 9 बजे, ऋषिकेश का जन्म है इनका, उत्तराखंड। मेष लग्न के हैं आप और सिंह राशि है आपकी। शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, सप्तम पति सप्तम भाव में बैठे हैं और राहु भी वहीं बैठे हैं, दांपत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। चंद्र और लग्न कुंडली से आप मांगलिक तो नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद शुक्र गुरु और राहु इन तीनों का संबंध सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव के अधिपति और सप्तम के कारक शुक्र तीनों ही पीड़ित हैं और आपको जन्म कुंडली का बाकायदा मिलान करके विवाह करना चाहिए, नहीं तो मैरिड लाइफ में मैं आपकी कुंडली में दिक्कत आते हुए देख रहा हूँ। सूर्य आराधना ही आपके लिए उपाय है क्योंकि मेष लग्न के हैं आप और पंचम पति पंचम में ही बैठे हैं, तो सूर्य भगवान की जितनी आराधना हो सके वो आप करें, वो आपके लिए उचित होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में आज हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे, और जिन्होंने कार्यक्रम देखा है तो वो तो जान ही गए होंगे कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।